ही ना है, स्टूडेंट तो कभी बात कर सकते हैं ना रिगार्डिंग दिस लेवल। अच्छा सही, और कोई? बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब हाँ बिल्कुल, तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% नहीं बनता लेकिन अच्छी कोशिश है। तो और कोई, कोई और ट्राई करना चाहेगा? कम से कम बात तो करनी, बात तो की ना इसमें। जी हाँ यार, कुछ कह रहे हो? माइक ओपन किया तुमने? हाँ मुझे आवाज आ रही है जी, थोड़ा तेज बोलो आवाज बहुत है। सही, और कोई, और कोई बिल्कुल, और कोई? ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या, मतलब किस सेंस में डिफाइन कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप? तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, लेकिन तुम किस सेंस में डिफाइन कर सकते हो? असल में इसकी स्लाइड जो है वो मेरे पास एपटेक में, एपटेक में मेरे पास वहाँ जो हमारे फैकल्टीज का फोल्डर है वहाँ पे रखी हुई है। अब मुझे एकदम से नहीं पता था कि लॉकडाउन इस तरह का हो जाएगा, तो एपटेक मेरा जाना भी नहीं हो रहा है और मुझे कोई गाड़ी या बाइक चलानी नहीं आती, डबल सवारी पे पाबंदी है। तो इसलिए अभी फिलहाल तो मैं घर पे बैठा हूँ, डबल सवारी के थ्रू जा भी नहीं सकता, तो फिर लॉ की वायलेशन होती है। ठीक है, बहरहाल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जल्दी हुआ तो मैं वर्डप्रेस की साइट आप लोगों के लिए मंगवा लूँगा वहाँ से। अब फिलहाल इतना तो बताएं, मैं आप लोगों को इतना तो बताता हूँ, वर्डप्रेस बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट, अगर देखें ना, CMS बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है। ये बना था कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को बनाने के लिए। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? आप लोगों ने ब्लॉग्स पढ़े होंगे, डिफरेंट आप लोग देखते होंगे, कभी आप लोगों ने सुना भी होगा, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि यार ब्लॉग, ये आर्टिकल देखा मैंने, ये आर्टिकल पढ़ा, या हम ये हमने ये ब्लॉग पढ़ा तो इस ब्लॉग के अंदर हमने देखा कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। ठीक है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे ब्लॉग्स लोग लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स के थ्रू लोग फेमस होते हैं। सही है, जैसे ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉगर्स में आप लोग बहुत एक वो सुन बहुत लोगों को आप लोग देखते होंगे। ब्लॉगर्स कौन होते हैं? जो खुद अपने आप को रिकॉर्ड करके, अपने पूरे दिन को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, ऐसे ही ब्लॉगर्स होते हैं, BLO। ठीक है, ये BLO से शुरू होता है, तो ब्लॉगर्स होते हैं। ब्लॉगर्स क्या करते हैं? आर्टिकल्स लिखते हैं इंटरनेट पे, आर्टिकल्स लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये लोग, अब ये लोग ऐसे नहीं होते बहुत ज़्यादा टेक्निकल, और इनको लिखना भी होता है इंटरनेट पे, इनको इंटरनेट चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, इनके लिए होता है बेसिकली जो वर्डप्रेस बना है ना, वो इस तरह के लोगों के लिए बना है जिनको कंटेंट मैनेजमेंट करनी है, और उनको लेट से वो ये भी नहीं चाहते कि पूरी पूरी टीम हायर करें या वो कोडिंग सीखें पहले अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि उनकी वेबसाइट बहुत सिंपल होती हैं। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस की बेसिकली जो इन्वेंशन है, वर्डप्रेस बेसिकली जो बना ना, जो ये इसकी जो डेवलपमेंट हुई वो इसलिए हुई ताकि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जो नीड है वो पूरी हो सके। अब वर्डप्रेस तो बन गया, हुआ क्या कि वर्डप्रेस जब बन गया तो वर्डप्रेस के डेवलपर्स ने मजीद काम किया। वर्डप्रेस किन चीज़ों के थ्रू चलता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL। किसके थ्रू चलता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL, और बूटस्ट्रैप वगैरह। बूटस्ट्रैप हम आगे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बूटस्ट्रैप का मैं क्यों कह रहा हूँ, और बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी वगैरह की जो चीज़ें हैं उनके थ्रू चल रहा होता है। ठीक है, तो हम वर्डप्रेस के अंदर कोडिंग नहीं करेंगे, हम वर्डप्रेस को ये देखेंगे कि वर्डप्रेस किस तरह से आप एक छोटी सी थीम जो है वो एडिट कर सकते हो, किस तरह से उसकी कंट्रोल्स को सेट कर सकते हो, उसमें किस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, हम ये सब कुछ देखेंगे इंशाल्लाह अभी की क्लास के अंदर, बहुत सुकून से चलेंगे, हल्के हल्के। जहाँ प्रॉब्लम आ रही हो फ़ौरन बता दीजिएगा मुझे, जहाँ पे भी इश्यूज हो, जो भी मसला आ रहा हो मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा, मैं वहीं पे रुक के उसको सॉल्व करूंगा। हम बिल्कुल उस पॉइंट पे रुक जाएंगे और जब तक आपका मसला हल नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। सही है, तो हम डिस्प्ले को शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। हाँ बिल्कुल, जो थीम्स होती हैं, ये जो डिज़ाइन होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस के लिए आपको बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम होता है जैम्प। ठीक है, अब जैम्प वर्डप्रेस क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट बेस्ड सिस्टम है, तो वर्डप्रेस जो वेबसाइट है इसका फ्रंट एंड तो HTML बन जाएगा, लेकिन अगर आपने एक ब्लॉग पोस्ट करनी है, यानी एक ब्लॉग है, तो आप एक ब्लॉगर हो,
अपने ब्लॉग को पोस्ट करना है इंटरनेट पे, दूसरे लोग आपके ब्लॉग जो है वो पढ़ें, तो आपकी वेबसाइट की डेटाबेस में कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ ब्लॉग सेव भी तो होगा ना, जो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना बस HTML CSS बार बार उसको, चलो ऑटोमेटिकली लिख रही है लेकिन लिख रही है, जब एक डिजाइनर बना के आपको दे दिया, सिर्फ HTML CSS थोड़ी, तो ब्लॉग कहीं ना कहीं सेव भी हो रहा होगा, जिसको बाद में आप एडिट कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, बड्डू साहब बने वाले हैं आज, तो खैर तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके लिए यूज़ करते हैं PHP, एक डेवलपमेंट लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड। ओपन सोर्स, ठीक है, PHP इज एन ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आपने अभी अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट में आपको कहता था कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ क्लाइंट साइड को डील करती है, लेकिन ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये सर्वर तक को डील करती है। ठीक है, यानी आप डेटाबेस का काम भी कर सकते हो उसके थ्रू। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी कि आप डेटाबेस वगैरह को भी हैंडल कर सकते हो, मैं डेटाबेस वगैरह बनाना भी सिखाऊंगा फिलहाल, लेकिन अभी हम उस तरह से डेटाबेस कोड वगैरह के थ्रू नहीं करेंगे, बस बेसिक सी सिर्फ डेटाबेस बनाएंगे। इवन वर्डप्रेस आपका इतना अच्छा साथी है, इतना अच्छा दोस्त है कि ये डेटाबेस के अंदर टेबल्स भी खुद बना देता है, हमें इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही है, अभी हम उसको देख लेते हैं। तो वर्डप्रेस आपके लिए वो टेबल्स भी जाना वो खुद ही बना लेता है। अच्छा, अटेंडेंस मैं किसी भी वक्त मार्क कर लूंगा क्लास के दरमियान, और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आए। अच्छा, ऐसा करो हमूद या कोई भी एक, शाजिर को और उमर को मैसेज करो, ये लोग आते हैं रोज की क्लास के अंदर और अभी ये लोग नहीं है आज, इनको मैसेज करो, इनसे पूछो कि ये लोग क्यों नहीं है अभी तक, इन्होंने मुझे कोई रीज़न नहीं दिया है आज से ना होने का, आमतौर पर ये लोग बता देते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये हम यूज़ कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिए। हम सिर्फ PHP से भी, थर्ड सेमेस्टर जब आएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ PHP से भी ना आपको सिखाएंगे कि PHP डेवलपमेंट लैंग्वेज है किस तरह से यूज़ की जाती है, अगर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सर्वर साइड तो वो किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, आप किस तरह से उसके थ्रू डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, डेटाबेस के थ्रू किस तरह से अपनी वेबसाइट के डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, हम ये इंशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर के अंदर मजीद इन डिटेल कवर करेंगे। PHP बाकायदा आप लोग पढ़ेंगे उस टाइम पे, अभी आपने PHP नहीं पढ़ी भी, मिसाल है मैंने भी PHP नहीं पढ़ी हुई, मैंने पढ़ी हुई है वैसे, लेकिन ऐसा करते हैं, ऐसा अपने आप को कंसिडर करते हैं जैसे ना तो मैंने PHP पढ़ी हुई, ना तो मैंने HTML पढ़ी हुई, ना तो मैंने CSS, ना JavaScript, ना Bootstrap, ना jQuery, ना PHP, ना MySQL, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ मैंने। ठीक है, हम जस्ट अ फ्रेशी, मैं एक नया बंदा हूँ जो कि बस अभी अभी सड़क से चलता हुआ एपटेक वालों ने कहा कि आ जाओ, ठीक है, और इन बच्चों को वर्डप्रेस पढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे कोडिंग का कोई भी तजर्बा नहीं है, मुझे का कोई मसला नहीं है, आप स्टार्ट तो करो, कोडिंग भी सीख जाना बाद में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वर्डप्रेस को स्टार्ट किया। मिसाल है, मैं सी मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि भाई मैंने काम वाम किया हुआ और मैं मतलब वर्डप्रेस को ऐसे मुझे पसंद नहीं है कोई खास, क्योंकि मैंने मेरा .NET की तरफ ज़्यादा रुझान है, मैं ज़्यादा उसको पसंद करता हूँ, मुझे .NET की डेवलपमेंट में मज़ा भी आता है और मैं काम भी उसी का कर रहा होता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस मेरा ज़्यादातर पढ़ाने का ही यहाँ पे तजर्बा रहता है और मैं कम ही काम करता हूँ वर्डप्रेस पे, लेकिन हाँ वर्डप्रेस मुझे आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाकई में मुझे एपटेक वालों ने सड़क से उठा के और बोला कि बस वर्डप्रेस पढ़ाना है, नहीं मुझे वर्डप्रेस थोड़ा बहुत तो आता ही, इतना तो आता है, मैं अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को सही पढ़ा सकता हूँ और वेबसाइट वगैरह भी बना लेता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, हाँ कहीं कहीं बहुत शाजिर और नाजिर कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो टैकल हो जाती हैं, कुछ दोस्त हैं वो देख लेते हैं, उनकी तो मैं हेल्प कर लेता हूँ मुझसे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है, PHP के इसके बैकएंड के ऊपर चल रही है। सही है, और HTML इसका फ्रंट एंड यूज़ करती है, यानी हम अगर इसका फ्रंट एंड बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, HTML CSS JavaScript और जो भी बूटस्ट्रैप वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। आपको आप लोगों ने सुना होगा ओपन सोर्स वेबसाइट के बारे में, ओपन सोर्स लैंग्वेज है ये, ओपन सोर्स लैंग्वेज है ये, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। आपको पता है हम ये OBS यूज़ कर रहे हैं ना ये इस वक्त, ये OBS इसका नाम है ओपन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसका नाम है ओपन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। ये OBS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी मैं पाइथन के थ्रू और C++ के थ्रू, इसमें कोडिंग के थ्रू,
नए फीचर्स ऐड कर सकता हूँ, या आप ये कहो कि इसके अंदर प्लगइन्स ऐड कर सकता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं लिटरली इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर नए फीचर्स या छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज नहीं ऐड कर सकता हूँ। जितनी मुझे विजुअल सी शार्प और इसकी लाइब्रेरीज के थ्रू मुझे नॉलेज हो जाएगी, उतनी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर नई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ। एक ओपन सोर्स लैंग्वेज क्या होती है? अब एक ओपन सोर्स लैंग्वेज के बारे में सुनो। एक ओपन सोर्स लैंग्वेज, हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, उसमें भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप क्या है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। तो इससे पहले, बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने से पहले, हम पहले क्या करते हैं, ओपन सोर्स जो लैंग्वेजेस होती हैं या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है उसके बारे में बात करते हैं। आप सब लोग फोन यूज करते होंगे, और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अभी का जो लेक्चर है ना, एटलीस्ट 60-70-80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अपने फ़ोन पे ले रहे हो दे रहे हो बेसिकली अभी बेसिकली ले रहे होंगे, या जो भी सुन रहे होंगे, वो 80% 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ना मेरा लेक्चर अभी फ़ोन पे ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की, मुझे लगता है। ठीक है, आपका जो फ़ोन है, आपकी कंपनी ने आपको दिया है, आप जिस भी कंपनी का यूज़ करते हो फ़ोन, मैं रियलमी का फ़ोन यूज़ करता हूँ, मिसाल है, सही है, मैं रियलमी का ये फ़ोन यूज़ करता हूँ, और रियलमी का ये फ़ोन मेरे पास आया बॉक्स के अंदर, ठीक है, और उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इजाज़त दी हुई है, उन्होंने सिर्फ मुझे जो परमिशन दी हुई है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको ओपन कर सकता हूँ, कितना कि उन्होंने मुझे एक सिम इजेक्शन टूल दिया हुआ है। सिम इजेक्शन टूल को मैं इंसर्ट करता हूँ तो क्या होता है, सिम ट्रे जो है वो बाहर आ जाती है, और मैं उसमें अपनी सिम जो प्लेस करता हूँ, सिम और मेमोरी कार्ड जो भी हैं उनको प्लेस करता हूँ, जब वो अंदर जाती है तो मेरी सिम जो है वो वर्क करना शुरू कर देती है। मैक्सिमम जो मैं फ़ोन को ओपन कर सकता हूँ, जो कंपनी ऑफिशियली आपको इजाज़त देती है कि आप इसके बाद सिर्फ वारंटी वो लोग क्लेम नहीं करते, ठीक है, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं इसको इतना ओपन करके इसको देख सकता हूँ, मैं इस पर सिम वगैरह अपनी इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर ये एक ओपन सोर्स फ़ोन होता तो ये कैसा होता, कंपनी क्या करती, एक स्क्रू ड्राइवर, एक पेचकस, एक फ्लास्क, और ये सारे छोटे छोटे टूल्स मुझे साथ में देती बॉक्स के, और कंपनी ये कहती कि भाई ये फ़ोन आपका, अगर आपको लगता है कि आप इस फ़ोन के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी इंसर्ट कर सकते हो, कोई नई फंक्शनैलिटी लगा सकते हो, लेट से ये फ़ोन की 4 GB RAM है, अगर आपको लगता है कि आप इसमें 8 GB RAM लगा के, या आप लेट से इसका इसका वो है क्या कहते हैं, इसका GPU है, इसकी जो ग्राफिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी है, लेट से आई थिंक 710 है समथिंग, या 660 समथिंग इसकी ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज है, मिसाल है कुछ भी है, मुझे लेट से कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, मैं कहता हूँ कि आपके पास 3 कैमराज है, इस फोन में मेरे पास लेट से 4 कैमराज हैं, ठीक है। कंपनी ने मुझे कहा कि तकी साहब, अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसमें 8 कैमराज लगा सकते हैं, ठीक है, तो हमने आपको टूल्स दिए हैं, ये टूल्स दिए हैं उन्होंने मुझे, कैसे दिए हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, पेचकसेस, सोल्डिंग टूल्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेटेलिक वायर्स वगैरह को सोल्ड कर सकते हैं, इनको लगा सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, दूसरे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, इन्होंने मुझे सारी चीज़ें दी हैं। अब इन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप 8 कैमराज यहाँ प्लेस कर सकते हो तो कर दो, और हमें भी वो मेथड बता दो, हम उसको टेस्ट करेंगे, अगर आपका मेथड वैलिड हुआ तो हम क्या करेंगे, आपके फ़ोन में आपको ये 8 कैमराज, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम भी हो रही होगी ना, तो हम इसे प्रोफेशनल वे के अंदर 8 कैमराज यहाँ प्लेस करके दे देंगे, जहाँ पर हमने जगह 4 कैमराज की बनाई है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, 8 कैमराज लग सकते हैं। अब आप ये प्रूफ करो कैसे 8 कैमराज लगते हैं, ठीक है, और हमें लगा के दिखाओ, हम टेस्ट करेंगे, अगर ये हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशंस पे पूरा करता है, ठीक है, और कोई मसला नहीं आता फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी पे, फ़ोन की यानी फ़ोन की स्टेबिलिटी पे कोई मसला नहीं आता, फ़ोन की कैपेबिलिटी पे, जो कैपेसिटी है फ़ोन की, फ़ोन कैपेबल हो, फ़ोन 8 कैमराज का, फ़ोन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑप्टिमाइज हो, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो, बाकायदा कनेक्टेड हो आपस में, हर चीज़ वर्क कर रही हो, कोई मसला ना हो, जैसे अगर आप यहाँ पे 10 घंटे गेम खेल सकते हो कोई भी अच्छा हैवी टाइटल का, आप उन चार कैमराज के बाद भी आप वो 10 घंटे गेम खेल सकते हो, उसकी किसी फंक्शनलिटी को फर्क ना पड़े, फिर ये 4 कैमराज लगा सकते हो एक्स्ट्रा, तो हम टेस्ट करेंगे, अगर आपने लगा दिया तो हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपके नाम से ये 4 कैमराज लगाएंगे और इनको मशहूर करेंगे कि भाई ये 4 कैमराज ऐड हुए हैं। अब जो नया वर्जन आएगा ना उसके अंदर क्या होगा, इसी फोन के अंदर 8 कैमराज आएंगे और हम बताएंगे ये तकी साहब ने लगाए और ये सारे टेस्टेड हैं और ये इस तरह से, और फिर क्या करेंगे, हर यूजर को इजाज़त होती है। ऐसे ही जो लैंग्वेजेस होती हैं, जितनी भी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं, इनमें क्या होता है, यूजर्स को परमिशन होती है कि यूजर्स क्या करें, अपनी मर्जी से फंक्शनैलिटीज ऐड करें, बट विथ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आपको जो भी लैंग्वेज है उसकी जो कंपनी है, जो भी जो ओनर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, आपको परमिट करें। अरे भाई रियलमी वाले कोई पैसे नहीं दे रहे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास वाकई रियलमी का फोन ही है, आई थिंक तुम में से किसी को पता भी होगा, देखा भी होगा, मेरे पास रियलमी का ही फोन है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी और कंपनी का फोन है नहीं, ठीक है। तो
मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये एक ओपन फोन था, उन्होंने मुझे सारे टूल्स दिए, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये ओपन सोर्स है, हमने एक मरतबा बना के छोड़ दिया, अब आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन जो आप एडिटिंग करोगे हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो हमारी डिवाइस के ऊपर कोई फर्क तो नहीं ला रहा, डिवाइस के अंदर कोई और मसला तो क्रिएट नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे आपको परमिट करेंगे, आप 4 की जगह 8 कैमराज लगाओ, अरे 8 की जगह 12 कैमराज लगाओ, लेकिन आप हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज को टेस्टिंग कैपेसिटी को पूरा करो, हमारी टेस्टिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और रूल्स हैं ये उनको पूरा करेगा तो हम आपको परमिट करेंगे, और आपके नाम से अगर ये बन गया ना, अगर इसको प्रूफ कर दिया आपने तो क्या करेंगे आपके ही नाम से मजीद, अब कंपनी रियलमी के नाम से फर्क करो, ये जो फोन का मॉडल है इस मॉडल के जितने भी फोन आएंगे ना आगे उसके अंदर यकीनन जब भी 8 कैमरा वाला फोन दिया जाएगा, वहां पे अगर आप चाहोगे, अगर आप कंपनी से डिमांड करोगे और कंपनी को लगा सही तो कंपनी आपके नाम से क्या पता वो 8 4 कैमरा लगा दे, सही है। तो ये होता है ओपन सोर्स लैंग्वेज में, जैसे कि किसी भी अगर लैंग्वेज की बात करूँ मैं, ठीक है PHP की बात करते हैं, PHP एक लैंग्वेज है, PHP के अंदर मिसाल है, मैं ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा, ठीक है, और मैंने कभी भी ऐसा इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कभी भी नहीं देखा, जो PHP की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने कभी उसमें नहीं देखा, लेकिन PHP वाले मैं मिसाल दे रहा हूँ, इट्स नॉट रियल, फर्ज करो PHP के अंदर इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है ना वो नहीं थे, ठीक है, हुआ क्या, हमने ये PHP इंटरनेट पे देखी, PHP एक नई लैंग्वेज आई थी, मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, मैंने कहा यार जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, क्लाइंट साइड, और जो PHP वो एक बैक एंड एज अ बैक एंड डेवलपमेंट लैंग्वेज होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसमें भी इफ एल्स को लगाएं क्यों ना, ऐसा करते हैं। तो PHP वालों ने कहा तभी साहब पहले आप ऐसा करें, इनको प्रूव करें, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो हम आपको अपनी एक गाइडेंस की बुक देते हैं, एक गाइडेंस का आपको एक मटेरियल देते हैं, एक लाइब्रेरीज हैं कुछ हमारी, आप इन लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद डेटा को यूज़ करें, ठीक है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, हमारे फीचर्स को यूज़ करें और देखें क्या इसके अंदर इफ एल्स की गुंजाइश है, अगर तो है तो फिर आप क्या करें इनको अप्लाई कर दें, लेकिन अगर हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बात को डिनाई करते हैं और आपको मना करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, आप इफ एल्स नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ आप ट्राई करें, बट ऐसा तब होता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं PHP के अंदर इतना बड़ा कोई डेवलपर हूँ कि मैं नई नई फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करवाऊँ, ये भी इतनी आसानी से नहीं होता, आप बहुत ही कोई अगर यानी फर्ज करो बहुत ही कोई अच्छे डेवलपर हो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम से ये लोग नए नोट्स रिलीज करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे डेवलपर हो तो फिर क्या होता है आपकी आपकी नोट्स को बकायदा ये लोग पूरी कम्युनिटी के अंदर कराते हैं, इनकी पूरी कम्युनिटी होती है, जो ओपन सोर्स लैंग्वेज है इनकी पूरी कम्युनिटी होती है, इनकी वेबसाइट के थ्रू इनकी पूरी कम्युनिटी, PHP के भी इंटरनेट पर अगर सर्च करोगे PHP की कम्युनिटी में, ठीक है, आपको क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी आप वहाँ जाके पेस्ट करोगे, आप वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को पेस्ट करोगे कॉपी पेस्ट, आपको लोग बताएंगे कि यार आपकी प्रॉब्लम का ये हल हो सकता है, ये हल हो सकता है, ये प्रॉब्लम का आपकी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, पूरी कम्युनिटी होती है जो सपोर्ट कर रही होती है आपको, आप प्रॉब्लम्स में होंगे या आपको सपोर्ट करेंगे, कोई और प्रॉब्लम में होगा उस वक्त क्या होगा आप उसको सपोर्ट करोगे, तो इस तरह से कम्युनिटी चल रही होती है, नए फीचर्स आ रहे होंगे ना तो क्या होगा ये अपनी कम्युनिटीज से डिस्कस करेंगे, अपनी कम्युनिटीज के साथ वो फीचर्स शेयर करेंगे, वो कम्युनिटीज टेस्ट करेंगे अपने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने अपने एनवायरमेंट्स में, फिर कहीं जाके कुछ अरसे के अंदर ही क्या करेंगे नई रिलीजेस के अंदर वो जो फीचर है वो अपडेट करेंगे, तो ओपन सोर्स जो सिस्टम होता है ना वो इस तरह से होता है। अब हम वर्डप्रेस की तरफ आते हैं, वर्डप्रेस को हम डिस्कस करते हैं, हमने बताया मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा XAMPP, XAMPP क्यों डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ओपन सोर्स लैंग्वेज जो है ना वो किसी सर्वर पे चलती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जबकि वो ओपन सोर्स है तो वो कोई सर्वर मांगती है, अब अभी मेरे मेरे पास कोई सर्वर नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा एक लोकल सर्वर का नाम है XAMPP, मैं इंटरनेट पर लिखूंगा XAMPP XAMPP डाउनलोड, एंटर करूंगा, देखो ये फर्स्ट लिंक डाउनलोड XAMPP जिसकी वेबसाइट है apachefrench.org, मैं यहाँ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा डाउनलोड XAMPP पे, और इसका लिंक मैं क्लासरूम पे पोस्ट भी कर दूंगा, मसला नहीं है कोई, ठीक है, देन उसके बाद आप चाहो तो सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज करो 7.4.5 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो PHP के 7.4.5 वर्जन के साथ कंपेटेबल भी है, ठीक है, आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, PHP का लेटेस्ट वर्जन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास XAMPP उसके बाद XAMPP जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास XAMPP पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर हुआ तो
तो अगर जैसे कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे स्नैपशॉट लेके आप सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है, और उसको इंस्टॉल कर लेना सिंपली। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं काम करता रहता हूँ ओवन इसके ऊपर। अभी तो फिलहाल विंडोज के बाद कोई पीएसपी का काम अभी नहीं हुआ है, तो इसके बिल्कुल फ्रेश हुआ हुआ है, ठीक है। तो जैम्प हम देख लेते हैं किस तरह का होता है और किस तरह से यूज होता है। यहाँ इस बटन से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं कुछ जाना मैं जरा लिंक जो है वो ले लेता हूँ। अभी क्लासरूम जो है हमारा फुल हुआ हुआ है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसका लिंक आप लोगों के लिए रख लेता हूँ, और ये क्लासरूम पे हम यहाँ पे रख लेते हैं। वर्डप्रेस फाइल इसका सेटअप नहीं होता, मीनवाइल आपका रैम डाउनलोड हो रहा है। मिसाल अभी तो मेरे पास रैम पहले से डाउनलोडेड है, मीनवाइल आपका रैम डाउनलोड हो रहा है, तो आप क्या करो, एक वेबसाइट है वर्डप्रेस, जो आप वर्डप्रेस यूज करोगे। इसकी दो वेबसाइट हैं, एक है wordpress.com और एक है wordpress.org, ठीक है। एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। तो हम क्या करते हैं, हम wordpress.org को यूज करेंगे। देखो wordpress भी अब ओपन सोर्स है ना, wordpress भी, क्योंकि php ओपन सोर्स है तो wordpress भी ओपन सोर्स है उसकी वजह से। wordpress.com का क्या होता है, आप वेबसाइट पे जाओगे wordpress.com, ये आपसे कहेंगे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें और इसके बाद क्या करें, आप आगे इसको यूज कर सकते हैं। बट इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा ये कि आपको उसकी फाइल्स वगैरह नहीं मिलेंगी, आप अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर में उसको सेव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम wordpress.org को यूज करेंगे, उसमें क्या होगा, ये सारी फाइल्स हमें मिल जाएंगी जिसके थ्रू ये वेबसाइट चल रही होगी बाद में, तो हमें क्या होगी, इसकी सारी फाइल्स जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैसेज देख लेता हूँ मैं। तो वर्डप्रेस वाले हमारे हमें सारी फाइल्स wordpress.org के थ्रू देंगे, सही है, देख लेते हैं जरा, और एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, और जरा इसे wordpress.org उसे विजिट विजिट कर लेते हैं, wordpress.org एंटर किया मैंने, ये वेबसाइट ओपन हो गई। जब ये वेबसाइट ओपन हुई तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है गेट वर्डप्रेस के नाम से। इस वेबसाइट को भूलना नहीं है, इस वेबसाइट को भी याद रखिएगा, अभी इसको यूज भी करेंगे हम आगे। गेट वर्डप्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, डाउनलोड वर्डप्रेस नीचे देखो लिखा हुआ भी आएगा, अभी डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड टार, मैं डाउनलोड डायरेक्टली इसकी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड ही करेंगे, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहे कौन सी लोकेशन पे कर रहे हो, मैं इससे कहता हूँ यार डेस्कटॉप पे ही करते हैं फिलहाल, कौन सा मुझे कुछ सेव करना है इसको वॉच के लिए, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली जो लिंक मिलेगा ना वो यहाँ इस पेज का मिलेगा। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, डाउनलोड वर्डप्रेस, क्योंकि मैं लिंक यहीं इस पेज का ही कॉपी कर रहा हूँ वर्डप्रेस की। अगर आप लोग चाहो तो साथ के साथ भी कर सकते हो, मैं लिंक अभी लिख के पोस्ट कर रहा हूँ, बस आपको जैम इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, इसलिए पोस्ट भी कर देते हैं साथ के साथ। और बाकी ये जो लेक्चर है ना, इसका कोई मटेरियल नहीं होगा, लेकिन इसकी वीडियो मैं कोशिश करके अभी कन्वर्ट करके फ़ौरन ही, और मैं अभी अभी यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए लगा दूंगा, ठीक है। या अभी नहीं तो मैं शाम में इंशाल्लाह कर दूंगा, मगरिब के वक्त जैसे ही मैं फ्री होता हूँ शाम में, मैं उस वक्त इंशाल्लाह फ्री कर दूंगा, मगरिब के बाद। आज तो मगरिब के बाद ही फ्री होऊंगा, या मगरिब से बस एक कुछ आप 15-20 मिनट पहले फ्री होंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और बाकी रैम भी मैंने बताया कि इसका भी लिंक दे दिया और वर्डप्रेस का भी लिंक दे दिया। अब वर्डप्रेस की जब तक फाइल डाउनलोड हो रही है तो वेट कर लेते हैं, तब तक आप लोगों की अटेंडेंस नहीं। रैम अलग है, वर्डप्रेस अलग है। देखो रैम मैंने बताया कि रैम क्या करता है, रैम एक लोकल सर्वर है जो क्या करता है, आपकी जो ओपन सोर्स वाली वेबसाइट्स होती हैं, ओपन सोर्स लैंग्वेजेस जो होती है ना, उनको वो रन होती हैं किसी भी सर्वर पे, लाइव सर्वर पे। तो ये एक लोकल सर्वर है जिसपे आपकी जो पीएचपी है ना लेट से वो रन होगी, उससे ये वर्डप्रेस जो है ना वो इस जैम्प के थ्रू ही चलेगा, ठीक
02 से, और आज डेट यकीन है 11th। इलेवन तो में है आज। जल्दी से ज़रा डाउनलोड हो जाए। अच्छा मैं तो इन स्टेप्स को नोट करूंगा। जी बोलो। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों भी चलेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो wordpress.com पर और एक wordpress.org पे। wordpress.com पर आपको ये फाइल्स नहीं मिलती डाउनलोड करने के लिए, आपको बस वही वेबसाइट में बनाकर वहीं पे पब्लिश करना होता है, वो अपने ही नाम से चला सकते हैं। ठीक है, आपको उन्हीं की साइट, उन्हीं की डोमेन वगैरह खरीदनी पड़ती है, या तो वो जो सजेस्ट करते हैं वो खरीदनी पड़ती है। लेकिन अभी आपने डाउनलोड कर लिया ना, अब देखना, मैं अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़। ठीक है, अभी क्या होगा, मैं अपने कंप्यूटर से इसे चला रहूँगा, मैं इंटरनेट से इसे नहीं चला रहूँगा, इंटरनेट पे कहीं से मैं यूज़ नहीं कर रहूँगा, अपने कंप्यूटर से यूज़ कर रहूँगा मैं। अभी देखना ना तुम लोग। डाउनलोड हो जाए फाइल फिर दिखाते हैं। हाँ यार, ये बड़ी उलझन होती है जब इस तरह का कुछ होता है ना, एक ही जगह पे रुक गया, ये बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर, एक फोल्डर आ जाएगा, अभी देख रहा हूँ वर्डप्रेस का, ये वर्डप्रेस का फोल्डर है। सही है, ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसको ओपन भी कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट और डब्ल्यू पी, बहुत सारी चीज़ें, क्लोजर, बहुत सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट की, सी एस एस की, एच टी एम एल की, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। मैं अभी इसको कुछ नहीं करूँगा, मैंने करना क्या है, करना यह है कि इस फाइल को कॉपी करें, कंट्रोल सी, और इसके बाद रैम जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको स्टार्ट कर लें। ये मैंने स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे दो बटन्स होते हैं, दो सर्विसेज होती हैं जो कि हमें स्टार्ट करनी होती हैं। इसमें से फर्स्ट है अपाची की सर्विस। जब ये ग्रीन हो जाएगा ना, देखना अभी ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब है अपाची की सर्विस स्टार्ट हो गई है, और ये MySQL की सर्विस स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि अपाची और MySQL जो है वो स्टार्ट हो गई, या XAMPP जो है वो सही से। XAMPP के अंदर बेसिकली दो सर्वर होते हैं, अपाची और एक MySQL की डेटाबेस के लिए। मुझे वो अपाची चाहिए होता है तो XAMPP के अंदर होता है वो, इसलिए मैं XAMPP डाउनलोड करता हूँ। सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे XAMPP के नाम से एक फोल्डर है पूरा, इस फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे एक और फोल्डर होता है एच टी डॉक्स, ये रहा। ठीक है, इस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसे पेस्ट कर देंगे। ये डेटा कॉपी होने में टाइम लगता है, हालांकि मेरे लैपटॉप में SSD लगी हुई है, और डेस्कटॉप भी सी ड्राइव है, और ये भी सी ड्राइव ही है। ठीक है, SSD लगी है मेरे पास, लेकिन फिर भी ये कहीं भी कॉपी करोगे थोड़ा सा टाइम ही लेता है कॉपी होने में, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी जितने भी हैंड रेस किया है क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी करना है।
जी मैं, कोई क्वेश्चन है आपका, आपने हैंड रेज किया है? चलें खैर, तो यार वर्डप्रेस ना एक बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट बेस्ड सिस्टम है, ठीक है? ये पहले बना था ब्लॉगर्स के लिए, लेकिन अभी क्या होता है, इसपे बकायदा प्रोफेशनल लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं अपनी, ठीक है? तो हम वो वेबसाइट्स जो है ना, वो किस तरह से बनती हैं, उनकी थीम्स किस तरह से एडिट होती हैं, किस तरह से जो टेम्पलेट्स होते हैं पेजेस के, वो किस तरह से आप वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से डाउनलोड करके उनको आप एडिट कर सकते हो, हम ये देखेंगे अभी। ये बेसिकली मकसद है हमारा। अच्छा, ये थोड़ा सा आई थिंक इसकी कुछ कुछ क्लासेस जो है वो अभी तो इसके एज अ वर्कशॉप हम एक ही क्लास लेंगे यार, लेकिन मैंने जितना देखा आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर में ना, आई थिंक जितना मैंने देखा है अभी जो नया प्राइम का जो सारा इनका सेटअप है, प्राइम के अंदर मैंने देखा है थर्ड सेमेस्टर के अंदर आई थिंक वर्डप्रेस के कोई 4-5 सेशंस हैं। तो वर्डप्रेस को आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा और डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा अभी। अच्छा, ये जो फाइल आई है वर्डप्रेस की, यहाँ पर एच टी डॉक्स के अंदर, जैम में एच टी डॉक्स में, यहाँ ये वर्डप्रेस की फाइल आई है, इसको रीनेम करेंगे किस नाम से, जो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। लेट से जो भी मैंने वेबसाइट को अपनी नाम देना है, मैं अपनी वेबसाइट को नाम देता हूँ लुक का, मिसाल फॉर एन एग्जाम्पल मैंने नेम दिया LOOK, ठीक है? लुक हमने नाम रख दिया, और अब क्या करेंगे, लुक नेम रख दिया, उसके बाद यहाँ आएंगे और ये एक्स्ट्रा जो टैब है वो इनको बंद कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे लोकल होस्ट और एंटर करेंगे। हाँ, अपनी मर्जी से कोई भी दे लो, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लोकल होस्ट और एंटर कर दिया। तो देखो एक पेज खुल गया, जैम अपाचे प्लस मारिया, ये मारिया डीबी पीएचपी पर्ल और इस तरह की चीजें, ठीक है? और ये मुझे बता रहा है वेलकम टू जैम फॉर विंडोज 7.4.2, जैम का वर्जन है जो मेरे पास अभी इंस्टॉल हुआ है। मैंने 7.4.5 इंस्टॉल नहीं किया था, मैं 7.4.2 या 3 यूज कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है रैम की फिलहाल तक, ठीक है? जैम 4.5 का मतलब ये होता है, 7.4.5 का मतलब ये भी हो सकता है, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसा मसला हो कि वो सबसे नई सबसे जो मैं कोशिश करता हूँ कि 1.1 वर्जन कम की जो रिलीज है ना वो यूज करूँ, क्योंकि वो रिलीज होती है वो स्टेबल होती है, उसके अंदर जो बग्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जो नई रिलीजेज आती हैं उसके अंदर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, तो उसके अंदर बग्स आ सकते हैं, इसलिए इससे एक उसकी रिलीज क्या होगी, थोड़ी सी स्टेबल होगी। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ रिलीजेज जो है वो अनस्टेबल होती हैं, तो फिर उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन एक कम रिलीज यूज करोगे उससे फायदा ये होगा कि चांसेस हो सकते हैं कि वो रिलीज ज़्यादा स्टेबल हो। तो मैं 7.4.2 कर रहा हूँ, आप लोग नई रिलीज कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा हमारे आपके लेवल तक, तो कोई मसला नहीं आएगा। मे बी अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम आए, लेकिन आप लोग जो लर्निंग लेवल पर हो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करना है, मुझे डेटाबेस बनानी है, तो डेटाबेस किसके बनानी है, ताकि मेरी जो वेबसाइट है ना वो उस डेटाबेस के अंदर, भाई एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल में भी तो सेव होगी ना, माई एसक्यूएल क्योंकि डेटाबेस के लिए यूज करते हैं सारा मेरा डेटा। लेट्स से मैं कोई ब्लॉग लिखूंगा, कोई पिक्चर अपलोड करूंगा, उस डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सेव भी हो रही होगी, तो उसके लिए वो डेटाबेस मुझे खुद से बनानी होगी। वो डेटाबेस कैसे बनती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। एक और बात, अगर आप लोग देखो, अव्वल तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ ही दिखाऊंगा, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन एंटर कर दो, देखना क्या ओपन होता है। अभी अगर इस कंडीशन पे जहाँ पे अभी आप लेट से आप लोग अगर अच्छी बात करो, तो अगर अभी अभी आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर लिखोगे ना लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन या लोकल होस्ट और एंटर कर दोगे, ठीक है, तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, ये जो जैम्प है इसको भी स्टॉप कर देता हूँ और माई एसक्यूएल को भी स्टॉप कर देता हूँ, और अब ज़रा मैं यही पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, ज़रा देखना क्या होगा। जी देखो क्या हुआ, ये मुझसे क्या कह रहा है, दिस साइट कांट बी रीच, क्यों कह रहा है ये साइट, क्योंकि मैंने जो सर्विसेज थी ना मेरे पास माई एसक्यूएल की, जरा ये सर्विसेज ओपन करता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ, देखते हैं ओपन हुआ ये, अभी भी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा,
क्योंकि मैंने एक सर्विस तो ओपन कर दी है, लेकिन मैंने अपाचे वाली सर्विस जो है ना ये ओपन नहीं की नॉलेज की। अब ओपन हो गया ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, अब अपाचे की और MySQL की सर्विसेज ओपन करोगे तभी MySQL चलेगा और तभी वो जो अपाचे वाला जो पेज था लोकल होस्ट का वो चलेगा। विदाउट डूइंग दैट ये काम नहीं करता। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है जितना अभी तक हमने किया है, सबको समझ में आ रहा है? जी सबको क्या कह रहे हो अमोद? इंटरनेट अभी मसला ये, इंटरनेट बंद करूंगा ना तो तुम लोगों की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसलिए इंटरनेट बंद करके तो मैं दिखा नहीं सकता सबूत। ये काम बगैर इंटरनेट के हो सकता है ठीक है, ये भी, और जो लोकल होस्ट वाला पेज खोला था वो भी। अभी अगर मैं यहाँ पे वाईफाई डिस्कनेक्ट करता हूँ ना तो तुम लोगों के पास से ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मेरी, ये मसला है। वैसे यार ये मीटिंग आज खत्म हुई 40 मिनट के अंदर अंदर, सही है, इसलिए अभी फिलहाल नहीं कर सकते। तो अगर हुआ कभी तो कभी मौका मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर भी तो आ रहे ना, PHP उसमें भी पढ़ेंगे तो तब करके दिखा देंगे। PHP भी जाहिर है ओपन सोर्स है, जब तक रैम्प नहीं चलता तो PHP भी आप नहीं पढ़ सकते। हम PHP भी जब पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर तो बगैर रैम्प के नहीं पढ़ सकते, सही है? तो हम रैम्प यूज करेंगे और लाइव रैम्प उस वक्त चल रहा होगा मुसलसल, उस वक्त आपको दिखा दूंगा कि इंटरनेट एक मरतबा अगर डिसेबल करके हम रैम्प को यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इंटरनेट बंद हो जाएगा और मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और पता नहीं आज अल्लाह ताला का खास करम है कि मीटिंग अभी तक डिस्कनेक्ट हुई नहीं है, ना टाइम आया है कि आपकी 40 मिनट की जो लिमिट है वो पूरी हो गई। सही है, हमने यहाँ तक एक्सेस कर लिया, मुझे करना क्या है, मुझे डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस कैसे बनती है? डेटाबेस का ये बटन है, डेटाबेस का बटन या फिर न्यू, मैं डेटाबेस के बटन को प्रेफर करता हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं करूँगा तो मैं तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्वेरी लिखता हूँ, SQL पे जाता हूँ, यहाँ पे क्वेरी लिखने की जगह आ जाती है, मैं तो क्वेरी टाइप करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दिया और बस खत्म। ठीक है, अगले स्टेप पे गए और क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो बस। लेकिन अगर मैं न्यू कॉमर्स के लिए करूँ तो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और अब क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है डेटाबेस नेम, देखो आ रहा है प्लेस होल्डर डेटाबेस नेम, मैंने इसका नाम रखना है, मैंने इसका नाम लेट से रखना है लुक, LOOK, लुक नाम रख दिया। इस सब को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे ये है पहले से, इसको बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ना है आपको। क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, देखो डेटाबेस क्रिएटेड, इस सब को भी वैसे ही छोड़ दें बस, अब यहाँ पे काम खत्म। अब जो डेटाबेस बनी है ना उसके थ्रू आगे बढ़े, लोकल होस्ट स्लैश, ये देखो स्लैश LOOK, यहाँ फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ मैं जो वहां रखा हुआ है htdocs में। htdocs में जो भी रखा होगा, कोई फाइल हो कोई फोल्डर हो, उसे यहाँ से जब एक्सेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश और उस फोल्डर का नाम, तो लोकल होस्ट स्लैश लुक। देखते हैं होता है नहीं होता। वर्डप्रेस का फोल्डर है, वर्डप्रेस का जो UI है ना वो ओपन होना चाहिए मुझे। अब मैं वर्डप्रेस की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब फाइल एक्सेस हो गई, सही है, यहाँ मैंने फाइल एक्सेस कर ली। अब क्या करेंगे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर लेते हैं, लेट्स गो। ये स्टेप्स याद रखना है सब लोगों ने, अभी वाला जो स्टेप है ना वो थोड़ा सा मजेदार है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस नेम, इसका स्नैपशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, कोई मसला नहीं है, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, वर्ड लुक, जो फोल्डर का नाम रखे हैं वही डेटाबेस का नाम रखे हैं यहाँ पे, और फिर वही नाम यहाँ पे देना है आप लोगों ने। लुक, यूजर नेम में रूट, रूट आएगा, पासवर्ड कुछ नहीं होगा, यहाँ डेटाबेस होस्ट के अंदर लोकल होस्ट ही रहने देना है। टेबल प्रीफिक्स में WP ही रहने देना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद क्या करें, इसकी पिक्चर लेना जरा जल्दी जल्दी से, सब लोग इसकी पिक्चर ले रहे हैं, फिर मुझे बताएं। जो फोन यूज कर रहे हैं वो लोग स्नैपशॉट ले रहे हैं, और जो PC यूज कर रहे हैं वो लोग क्या करें, इसकी पिक्चर लेने जल्दी से शाबाश।
और यार वर्डप्रेस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी फिलहाल कुछ बेसिक चीजें देख रहे थे। वर्डप्रेस को कंटिन्यू करते हुए फोटोशॉप की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी 6 बजने वाले हैं और आप लोगों का टाइम 1.5 घंटे का है, तो अगर मैं 6:30 तक भी कंटिन्यू करूँ तो मे भी शायद हम कल के यहाँ कर लेंगे कंप्लीट, टेंशन नहीं है। अब इतना सारे स्टेप्स हो गए, समझ में आ गया बेसिक, कर लेंगे सर। पासवर्ड को एम्प्टी रहने देना है, ठीक है, और स्नैपशॉट्स अगर आप लोगों ने कर लिए हो तो फिर हम आगे चलते हैं। कर लिए मेरे ख्याल से ज़्यादातर ने डेटाबेस में लुक, क्योंकि अभी डेटाबेस का नाम मैंने लुक रखा है। यूजर नेम में रूट RROOT, पासवर्ड में कुछ भी नहीं, और डेटाबेस होस्ट के अंदर लोकल होस्ट और डेटा टू जो टेबल प्रिफिक्स है उसमें क्या आएगा WP, इसको सबमिट कर दें। रन द इंस्टॉलेशन, अब आएगा असल आपका काम, जो आपने अपनी मर्जी से यूजर नेम या पासवर्ड रखना है ना, अब वो आएगा। इससे पहले का जो काम था वो डिफॉल्ट आपने रूट ही रखना है, डेटाबेस का नाम वही रखना है जो आपने पहले डेटाबेस का नाम MySQL के अंदर रखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, साइट टाइटल हम कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से माई वेबसाइट RS पहले ही, ठीक है, माई वेब इसका नाम रख देते हैं। यूजर नेम क्या है, एडमिन ही रखता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है, अगर मैं कभी लर्निंग प्रोसेस में किसी को सिखा रहा हूँ, किसी से हम बात करें, पासवर्ड एडमिन, ये वीक पासवर्ड है, ये क्या रहे वेरी वीक, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो कंफर्म पासवर्ड, आप क्या करोगे कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड पे चेक लगा दोगे, इससे क्या होगा कि आप इसको खुद कह रहे हो हाँ भाई मैं वीक पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। अच्छा एडमिन आमतौर पर लोग यूज करते हैं एडमिन और एडमिन, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर अपनी असल वेबसाइट बना रहे हो, अभी तो मैं सीखने के लिए करा रहा हूँ, हम सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लेट्स से कल को अपनी असल वेबसाइट बना रहे हो, ये आपकी फेयर वेबसाइट है जिस पर आप आगे काम करोगे, ठीक है, तो कोशिश ये करना कि यूजर नेम तो चलो आपने एडमिन रख लिया, ठीक है, लेकिन आपने पासवर्ड एडमिन नहीं रखना, इसको चेंज करना है अपने हिसाब से, कोई पासवर्ड रखना है। योर ईमेल, यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल दे दो, मैं अपना फिलहाल ये ईमेल दे रहा हूँ, या gmail.com। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी, सर्च इंजन विजिबिलिटी पे चेक नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इंडेक्सिंग का मतलब होता है ये सर्च रिजल्ट्स के अंदर लाना, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप सर्च इंजन को रोको, डिस्करेज करो उसको इस वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट्स में लाना, यानी गूगल पे अगर मैं सर्च करूँ माई वेब, ठीक है, तो ये सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, कब, अगर मैं चेक बॉक्स पे चेक लगा दूँ, पब्लिश होने के बाद भी नहीं आएगी, अभी तो आएगी नहीं, जाहिर है मैंने पब्लिश नहीं की हुई, अभी तो मैं खुद ही इससे खेल रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, मैंने किसी पे कहीं पे होस्ट नहीं कर रहा, मैं कहीं ऑनलाइन लाइव नहीं की मैंने वेबसाइट, लेकिन उस वक्त भी नहीं आएगी जब पब्लिश भी कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस वक्त यहाँ पे ऐसा किया है तो SEO की जो कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पे इस वेबसाइट की नहीं बन पाएंगी उस तरह से, और बस आगे कर दें, इंस्टॉलेशन कर दें। ईमेल इसलिए देते हैं यार, ये सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का सीन ही होता है कि गूगल से आप, गूगल आपका एक सर्च इंजन है ना, जहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो वो आपको कुछ रिजल्ट ला के देता है, ठीक है, अगर मैं चेक बॉक्स पे चेक लगाता तो होता क्या, वर्डप्रेस डिस्करेज करता जितने भी सर्च इंजन है उनको कि वो रिजल्ट में ये वाली वेबसाइट शो करें, सही है, फिर मैं कुछ भी लिख लेता, माई वेब लिख लेता, मैं लिख लेता माई वेब जो सही है तकी वी वन वाली ईमेल एड्रेस से बनी हुई, मैं लिख लेता माई वेब जो तकी साहब ने बनाई है और वो इस वक्त इस टाइम पे बना रहे थे, तब भी नहीं आती है, ठीक है, मैं सारा रिकॉर्ड डाल देता कि भाई ये वाली वेबसाइट चाहिए, तब भी नहीं आती, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्करेज कर दिया, मैंने मना कर दिया कि आप मेरी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट के अंदर शो नहीं करो, लेकिन इसीलिए मुझे चेक नहीं लगाना ताकि मेरी वेबसाइट सर्च इंजन में शो हो जाए। लॉग इन, फिलहाल यहाँ पे एडमिन एडमिन पासवर्ड भी जो गिवन है, ठीक है, मैं रिमेम्बर में भी चेक लगा रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा से यहाँ पे लॉग इन नहीं करना पड़े और लॉग इन ही रहेगी। लेट से अगर मैं बात कर रहा था कि क्या पता हम इस क्लास में कंटिन्यू ना कर पाए या ख़त्म हो जाए ये मामला, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने के लिए बार बार लॉगिन ना करना पड़े। अब ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया, मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी फिलहाल इसको इतना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा मामला। तो हमने कहा कि भाई हम कहाँ पर आ गए, डैशबोर्ड पर आ गए, और डैशबोर्ड पर आते आते हमने बहुत सारे स्टेप्स कवर किए, ये जो स्टेप्स हैं उनके स्नैपशॉट अपने पास सेव रखें,
कोशिश करें कि स्नैपशॉट्स आपके पास से ना जाएं, ताकि आपका फायदा हो, आप लोग बिल्कुल ही नुकसान में ना रह जाए। अगर मैं स्पेस पर आऊँ तो मैं देखता हूँ मुझे काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ अजीब सा इंटरफेस है, बहुत मुश्किल सा है। ऐसी बात होगी यकीनन, आप लोग यही सोचोगे यार क्या मुश्किल सी चीज़ ला के दिखा दी है, पता नहीं किस तरह से काम करता है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो कहलाता है, सही है। और ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है इसके अंदर अगर आप लोग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस, और इसके नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू एज कंटिन्यू योर साइट, कस्टमाइज योर साइट। मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपनी साइट को, मुझे कुछ थीम्स मिलती हैं बेसिक, अभी डिस्कस करते हैं उसको। नेक्स्ट स्टेप्स जो होते हैं वो, अब देखो ये मुझसे कह रहा है राइट ये फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। मैंने जो बताया था ये बेसिकली तो ब्लॉग्स वगैरह लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं लोग उनका जो कॉन्टेंट है उसको मैनेज करने के लिए। एड एन अबाउट पेज, बिल्कुल आप एक अबाउट पेज ऐड कर सकते हो, ब्लॉगर क्या करेगा एक अबाउट पेज, एक अब एक अपना होम पेज सेट कर सकता है एक ब्लॉगर, जिसको उसकी कुछ डिटेल्स उसके बारे में चीज़ें, और उसका एक पोर्टफोलियो टाइप का मेन प्रोफाइल टाइप की जो होती है। व्यू योर साइट, अपनी साइट व्यू कर सकते हो, यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स होते हैं एट अ ग्लैंस के ऊपर जो आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। मैनेज विजिट्स, विजिट्स भी देखेंगे आगे, विजिट्स को टूल होते हैं छोटे छोटे, साइट में छोटी सी लिस्ट बनी हुई है या इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बटन हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। मैनेज मेन्यूज, मेन्यूज भी मैनेज करने के लिए यहाँ से देख सकते हो। टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ, यहाँ से कमेंट्स ऑन और ऑफ कर सकते हो किसी पोस्ट पे या अपनी वेबसाइट के ऊपर। लर्न मोर अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, यानी स्टार्ट करने के लिए आप और बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, ठीक है। फिलहाल हम, मुझे ये लग रहा है कि आज इसमें से इंट्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, और वेबसाइट की जो कस्टमाइजेशन है वो नेक्स्ट क्लास पे ही जाएगी, कोई मसला नहीं है, खैर कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए एक क्लास जो है एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं। अच्छा, साइट की जो हेल्थ है ना, ये जो साइट की हेल्थ का स्टेटस है ये नया ऐड हुआ है यहाँ पे, पहले नहीं होता था वर्डप्रेस में भी, कुछ टाइम पहले ही ऐड हुआ है। तो ये क्या कर रहा होता है, आपको आपकी साइट की जो हेल्थ स्टेटस, जो हेल्थ स्टेटस है ना, कि किस तरह की वेबसाइट आपकी चल रही है, बहुत ज़्यादा जो उसकी थीम्स हैं वो पुरानी तो नहीं हो गई हैं, क्या थीम का जो जिस कंपनी की है, जिस भी डेवलपर की आपने थीम यूज़ की है, ऐसा तो नहीं है कि उस थीम में कोई अपडेट आई है तो आपकी वेबसाइट अभी इतनी रिलायबल नहीं है, आप वो अपडेट करेंगे तभी वो नए फीचर्स आएंगे, और पुरानी वाली वेबसाइट जो अपडेट होगी तो ही सब मामला जो है वो सेट हो जाएगा, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। फिर लेट्स से क्विक ड्राफ्ट, क्विक ड्राफ्ट में क्या होता है, आप एक ब्लॉगर हो, आप एक पोस्ट करो, आपने एक नई पोस्ट लिखी, अभी आपके जहन, अगर आप एक ब्लॉगर हो ना तो क्या होता है, एकदम से एकदम आपके जहन में एक आइडिया आ जाता है यार इस आइडिया के ऊपर ना मैं लिख सकता हूँ, या इस आइडिया के ऊपर मैं लिख सकती हूँ, व्हाटएवर जो भी आपने, ठीक है, आपके जहन में एकदम से एक आइडिया है कि यार ये जो आइडिया है इसके ऊपर लिखना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप क्या करोगे, बस आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, टाइटल दिया और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया, और आप क्या करोगे, सेव ड्राफ्ट के अंदर क्लिक करो, सेव कर दोगे तो वो यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा, यहीं पे आपको शो भी आने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं नीचे, देखते हैं नीचे और क्या चीज़ें, तो नीचे देख लो और क्या चीज़ें, एक्टिविटी है, एक्टिविटी का मतलब होता है कोई नया कॉमेंट वगैरह आपके पास अगर आया हो तो वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। और वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज, तो वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज पर, तो मतलब वर्डप्रेस के हवाले से कोई इवेंट हो रहा है या कोई न्यूज हो रहा है, न्यूज़ वगैरह, ये कोई नई न्यूज़ है तो आपको उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है, और आप उनको यहाँ से डील कर सकते हो। अच्छा, आप इनकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपने कहा कि यार मैं इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ ले जाता हूँ, ये तो ओपन हो गया, ठीक है, मैंने कहा इसको उठाया मैंने और मैं इसको यहाँ ले गया, तो यहाँ से ले गया, इसको मैंने ड्रैग किया और इसको मैं ले गया यहाँ, तो वो जो एक एक्स्ट्रा बॉर्डर के लिए जगह छूटी हुई थी वो पूरी हो गई, और मेरा जो काम था खत्म, मेरा जो चीज़ें थी सेट करनी थी वो हो गई। अब आते हैं लेफ्ट लेफ्ट पैनल पे, तो लेफ्ट पैनल भी खासा थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हुआ है, ये वो पुराना वाला पैनल नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा अभी जो लास्ट अपडेट किया है उसके अंदर थोड़े से कलर्स वगैरह को, थोड़ी सी जो बॉर्डर है ना उनको थोड़ा अच्छा किया, ठीक है, और कुछ बेहतर नहीं हुआ, यानी बेहतर अच्छा सही डिसेंट पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने इसको और ज़्यादा डिसेंट सा किया और ज़्यादा बेहतर किया है इसकी फिनिशिंग को, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलती है आपकी अपडेट्स, सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे डैशबोर्ड जो कि ये है, उसके बाद आपको मिलता है होम जो कि क्या है, जो कि ये होम पेज ही है, ठीक है, डैशबोर्ड बेसिकली आपका होम पेज होता है, यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड ही है और ये आपका होम पेज ही होता है, ठीक है। इसके बाद आप जाते हो अपडेट्स के ऊपर, अपडेट पे ज़रा क्लिक करते हैं, जो भी रीसेंट अपडेट्स होंगी ना वो यहाँ पे इस जगह पे आपको शो हो जाएंगी, अगर अपडेट कोई आई होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा या 2 लिखा हुआ आ जाएगा,
अभी जो ये वर्डप्रेस है ये बिल्कुल अपडेटेड है, नया यानी जो भी रिसेंट वर्जन होगा वो ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको चेक करनी है अपडेट की, कोई अपडेट तो नहीं है अभी, चेक अगेन करोगे, अभी तो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, लेटेस्ट चेक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट चेक 11 मई 2020 और कितने बजे, 1 बजे रात को, ठीक है। पोस्ट पे जाओगे, अब यहाँ पे होंगी, मैं ब्लॉगर था ना, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली एक पोस्ट आपके, आप जो भी नई वेबसाइट बनती है ऑटोमेटिकली एक पोस्ट उससे हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि दुनिया में लोग वो पोस्ट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिश हो जाती है बस, या लोग आपसे आपके ऊपर क्रिटिसाइज ही करेंगे, नहीं, ये पब्लिश हो जाती है, लेकिन अभी आपकी वेबसाइट ही पब्लिश नहीं हुई तो ये कहीं नहीं जाएगी, आपकी वेबसाइट पर ही होगी, कोई इसे देख नहीं सकता, कोई तो बाहर का बंदा, सही है। ये आपकी वर्डप्रेस, हाँ बोलो, यार पब्लिश कर सकते हैं, बट वही आपको जो यूजर नेम है ना वो सारे शो हो रहे होंगे, लेकिन उसको आप, उसके आपको होस्टिंग की वेबसाइट चाहिए होंगी, लेट्स से 000 वेब होस्ट वाले दे रहे होते हैं, और डिफरेंट जो होस्ट होस्टिंग साइट होती है ना वो तो चाहिए होंगी, जो कि आपको फ्री होस्टिंग दे रहे होते हैं। बाकी और तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसमें ये होता है कि आपका जो होस्ट का नेम है ना वो आ रहा होता है डोमेन के अंदर। सही है, तो ये पोस्ट जो है वो पहले से क्रिएटेड होती है, मैं इस पोस्ट को अभी डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रैश का बटन बना हुआ है, ये देखो ये लिंक बना हुआ है, ट्रैश पे क्लिक करो, ये पोस्ट डिलीट, खत्म, अब यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। अभी हम इंटरफेस को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं इसके टूल्स जो बेसिक हम यहाँ पे गिवन है, पोस्ट किस तरह से क्रिएट होती है। अब देखो ये तो मैं बता रहा है सब कुछ, ये नया, ये नहीं, ये जो इसकी इनकी लास्ट अपडेट है उसके अंदर ये है कि फिर भी ये लोग थोड़ा सा बता रहे हैं, पहले ये सब कुछ नहीं होता था, पहले आपको कुछ नहीं बताया जाता था, अभी फिर भी ये लोग थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें हैं, हम ये चीज़ें इसके यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मेक ईच ब्लॉक योर ओन, इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये सारे वो टूल्स हैं, ट्रिक्स हैं। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट किस तरह से ये सारे आपके ब्रिक्स यहाँ पर आ गए, आप इसमें से नए नए आइटम्स ऐड कर सकते हो, जैसे आपने पैराग्राफ ऐड करना है ड्रैग करो और इधर ले आओ, ठीक है, ये क्लिक किया मैंने, ड्रैग किया और मैं इधर ले आया, मैंने सिर्फ क्लिक कर लिया तो देखो पैराग्राफ के लिए जगह आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये सारे टूल्स आ गए। अब आपने क्या करना है पैराग्राफ में, मतलब किस तरह की आपने जो फॉर्मेटिंग करनी है ना वो यहाँ फॉर्मेटिंग करो, ठीक है, बेसिक वर्ड की लाइन स्पेसिंग, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, जितनी भी और चीज़ें होती हैं वो सारी इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, जो करना है आपको करो, कोई आपको मसले वाली बात नहीं है, कोई कैद नहीं है। इसके अलावा कुछ और ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मुझे लेट से पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर के लिए इन्होंने प्लेस दे दी, कहाँ से चाहिए पिक्चर, कंप्यूटर से चाहिए, इसकी मीडिया लाइब्रेरी में ऐड की हुई है, या फिर कहीं और यूआरएल से ऐड करनी है, तो लेट से अगर यूआरएल से ऐड करनी है तो इंटरनेट पर सर्च करो, तो यूआरएल कॉपी करो, यहाँ लिख दो, पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, अपलोड करनी है कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी हुई हो तो अपलोड कर दो, यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, सही है। तो सिंपल इस तरह से आप यहाँ पर अपने ब्रिक्स हैं, अपने जो ब्लॉग हैं वो रिव्यू करना है, रिव्यू कर लो, इस तरह की आपका इस तरह का जो पेज है वो बनकर आ गया, नाइस, दे हैव डन समथिंग न्यू, इन्होंने कुछ नया किया है जो कि पहले नहीं था, जो बात है इस तरह का आपका, आपकी जो बेसिक वेबसाइट है वो इस तरह की अभी बनकर आ गई है, जो नया इनका लेआउट है उसके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है इस तरह की बन के आ गई है, ठीक है। और ये आपने प्रीव्यू भी देख लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, तो मतलब टेंशन क्यों ले रहे हो, हम करेंगे करेंगे। अभी एज अ ड्राफ्ट इन्होंने सेव किया है, ये पूरा पेज बना नहीं है, पोस्ट बनी नहीं है, सिर्फ एज अ ड्राफ्ट ही शो कर रहे हैं आपको, एक मिनट रुक जाए, मैसेज है किसी का, मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ कि आज की वीडियो अपलोड कर दूँ, कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी अपलोड कर दूँ, आज शाम तक या मगरिब के बाद मुझे जैसे टाइम मिले, अभी अभी अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं भी कर दूँगा, ठीक है। और न्यू पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी आप सेट कर सकते हो, आपकी पोस्ट की कैटेगरी किस तरह की होगी, अपने कीवर्ड्स, अपने टैग्स वगैरह यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है, कि आप किस तरह की चीज़ें यूज़ किया करोगे, अपनी अपनी जो मेरी पोस्ट होती है लेट से उसमें कैसी चीज़ें होंगी वो सब आप यहाँ सेट कर सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी, मीडिया लाइब्रेरी अच्छी है। अब देखो अगर आप लोगों,
अगर आप में से कोई डिजाइनर हो या आप में से कोई भी आप लोग वेबसाइट डिजाइनर हो, अभी आप सब लोग एक वेब डिजाइनर हो अच्छे, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे वेब डिजाइनर हो। आप लोग क्या करते हो, अपना कंटेंट जमा करते रहते हो, ठीक है। आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी थी, आपने क्या किया, अपना कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है, ये वेबसाइट आप बना रहे हो। अब आपके पास क्या है, वेबसाइट के अंदर कंटेंट की जरूरत है, पिक्चर्स की, क्या आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो है वो प्लेस करनी है अपने पास हर जगह जगह, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो यहाँ पर आप लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो। कैसे कि रहते, मैं इंटरनेट से कोई पिक्चर ले सकता हूँ, मैं कंप्यूटर से ऐड नहीं होकर क्लिक करूँ, ठीक है, सेलेक्ट अ फाइल। अब अभी तो मेरे पास कंप्यूटर में आई डोंट थिंक सो किसी में कुछ पिक्चर वगैरह होगी, मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर होंगी, हाँ याद आ गया, इसमें होंगी, नहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये रही, ये एक असाइनमेंट मिला था मैं यूनिवर्सिटी से, ठीक है, उसकी पिक्चर है, मिसाल है, ये पिक्चर ऐड हो गई, अब ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो गई है, और मैं जब भी बाद में कभी चाहूँ तो वो देख सकता हूँ। लाइब्रेरी पर क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ आ जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो बाई डिफॉल्ट इसको कोई ना कोई नाम दे सकता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम दे के इसको सेट कर सकता हूँ कि भाई ये इसका नाम हो जाएगा, वो इसके ऊपर सेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो गई ये पिक्चर, सही है। एड न्यू करोगे तो डायरेक्टली ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला सेक्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, किसी फाइल से ड्रैग करनी है, यहाँ से ड्रैग की और यहाँ पे ड्रॉप कर दी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद आते हैं पेजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वेबसाइट के बाय डिफॉल्ट कुछ पोस्ट बन जाती है, ठीक है, इसी तरह क्या होते हैं, एक से दो पेजेस आपकी वेबसाइट के बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, जो कि जो आपकी बाय डिफॉल्ट थीम होती है उसके बेसिकली एक दो पेजेस होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलते ही हैं, सही है। अब ये वो पेजेस हैं, ये तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जो हम लोगों ने ड्राफ्ट इन्होंने बनाया हुआ है, और ये सैम्पल पेज है जो आपकी वेबसाइट का सैम्पल पेज है, इसको व्यू पे क्लिक करते हैं, देखो ये किस तरह का होगा, ये इस तरह का पेज है सैम्पल। ये जो बाय डिफॉल्ट थीम का सैम्पल पेज होता है ये वो पेज है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, अभी दिखाऊंगा किस तरह से। और डिलीट नहीं कर सकते तो इसको क्या कर सकते हो, अगर आपने डिलीट नहीं करना, आप चाह रहे हो रखना, तो आप अपनी मर्जी का पेज भी सेट कर सकते हो कि यूजर को क्या नजर आए वो पेज मैं सेट कर सकता हूँ, वरना इसको चेक लगाओ, ये चेक किया हमने, अभी फिलहाल सिर्फ फर्स्ट को डिलीट कर रहे हैं, सैंपल वाले को डिलीट नहीं कर रहे, तो चेक हटा दो, यहीं से डिलीट कर दो, क्रैश पे क्लिक करो, ये पेज गया डिलीट। एड न्यू पेज पे क्लिक करोगे तो वही होगा जो यहाँ पे एड न्यू बटन पे क्लिक करने पर होगा, न्यू पेज ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, आपसे पूछेंगे कंटेंट यहाँ पे आपको किस किस तरह से रखना है, तो ये कंटेंट होना चाहिए, टाइटल दे दो, वही ब्रेक्स आपने ब्लॉग सेट करने डेटा के, और उन्हें अपने हिसाब से कंटेंट जो है आपने प्लेस करते रहना है, और बस हर तरह का कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, हर तरह का ब्लॉग मिलेगा आपको, किस तरह से रखना है आपको, किस तरह से नहीं रखना, सही है, हर तरह के ब्लॉग, हर तरह का एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, गैलरी रखनी है, हेडिंग्स देनी है, किस तरह से डेटा रखना है, सिर्फ कवर देना है, ऑडियो देनी है, कुछ भी करना है डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। अभी हम ये पेजेस ऐड नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल जो आपको दिखाएंगे वो असल पेजेस हम एट दी एंड करेंगे, असल पेजेस वो होंगे और मज़ा उसमें आएगा, वही आपको जो है ना वो ज़्यादा इन्जॉयमेंट आपको बेसिकली आपको इन्जॉय भी करोगे यूज़ करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉमेंट्स पे। जैसे ही पोस्ट आई थी तो उसी पे कॉमेंट भी आ गया था, क्योंकि हमने पोस्ट डिलीट कर दी तो क्या हुआ, कॉमेंट भी यहाँ से वो डिलीट हो गया, सही है, वरना यहाँ पे कॉमेंट होता जिसको आप रीड कर सकते और उसे भी डिलीट कर सकते थे आप। अच्छा अब आ गई अपीयरेंस, अपीयरेंस देखना जैसे ओपन होगी ना यहाँ पे, देख लो नीचे कुछ और चीज़ें भी ओपन हुई हैं, जिसके अंदर मेरे पास है कस्टमाइज का एक बटन, विजिट्स का बटन है, मेन्यूज का बटन है, बैकग्राउंड का बटन है और थीम एडिटर का एक बटन है। हालांकि ये सारे काम, ये जो कस्टमाइज का बटन ग्रीन कलर ब्लू कलर का बना हुआ है ना यहाँ पे, इससे भी हो जाते हैं ये सारे काम, ये मेन्यूज एडिट हो जाते हैं, एड तो यहीं से होते हैं लेकिन एडिट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, वो भी हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। हम 2018 के अंदर 2017 के अंदर ये थीम यूज़ कर रहे थे, ये थीम लिटरली 2018 और 2019 तक चली है, 2019 तक मैंने ये थीम जो है ना वो देखी है वर्डप्रेस के ऊपर, अभी ये थीम जो है वो अपडेट हुई है और अब मेरे पास यहाँ पे 2019 के आई थिंक मिड के बाद आई ये थीम, और अब 2020 जो कि अभी इन्होंने अपडेट कर दिया। ज़रा इसको देखते हैं, थीम डिटेल्स पे जाते हैं,
देखो ये थीम इस तरह की, हम डिफरेंट थीम्स बाय कर सकते हैं, यानी हम डिफरेंट थीम्स यहाँ पे जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अभी दिखाते हैं तुम्हें, ये प्लस का जो साइन है ये सी तो है, ठीक है। तो कस्टमाइजर हो गया, विजेट हो गए, विजेट इसके अंदर के जो टूल्स हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं साइड में, अभी तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहे, बट इस तरह इसके अंदर के छोटी छोटी टूल्स हैं जो क्या आ रहे होते हैं, देखना ये देखो, ये सारे छोटे छोटे टूल्स है ना, ये सारे विजेट्स हैं, सही है। बैलेंस में जाते हैं दोबारा। अब थीम्स कैसे ऐड होती हैं, दो तीन तरीके हैं। ऐड न्यू का बटन यहाँ पर है और ऐड न्यू का बटन एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर बहुत सारी थीम्स हो उनके दरमियान सर्च करना चाह रहे तो यहाँ पे भी एक सर्च बार भी आ रही थी, ठीक है। ये बहुत सारी थीम्स आ गई यहाँ पे जो वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम्स है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ये थीम्स है लेकिन इस पर भी हम लेआउट जो है वो अपने ही यूज करेंगे। फर्स्ट करो, सबसे पहले बार ये उठाते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यार ये ऐसी वेबसाइट, भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह बनाते हैं, बना नहीं रहा, पब्लिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह से बनती हैं चीज़ें। एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल नाम लिया था मैंने। हाँ तो अपने नाम बना लो अपना नाम, अरे तुम अपना नाम रखो मेरे भाई, तो मसला ही नहीं है कोई। ये देखो ये थीम आ गई यहाँ पे, अब मुझे थीम व्यू करनी है, मुझे देखना है मेरी वेबसाइट दिखती कैसे। देखो यहाँ पे लिखा है माई वेब, इस पे लिखा हुआ है व्यू साइट, व्यू साइट पे राइट क्लिक करो और ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो देखो ये इस तरह की वेबसाइट दिखेगी मेरी। ये मेरी टोटल वेबसाइट है, क्योंकि मैंने अपने पेजेस जो है बेसिक वो डिलीट कर दिए, तो इसलिए मेरी वेबसाइट जो है वो इस तरह की ही दिखेगी और इसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिखेगा। मैं इसके अंदर जो थीम्स और जो लेआउट्स हैं वो ऐड करूंगा तो फिर मुझे जाके ना इसकी सही जो लुक है वो नजर आएगी, सही है। अगर ये थीम देखें जरा, एक्टिवेट करते हैं इसको, इसके अंदर इन्होंने फिर भी कुछ मटेरियल जो है ना वो ऐड किया हुआ है यहाँ पे। देखो इसका इन्होंने फिर भी ना कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो मैं तो इसका जो सैम्पल पेज है ना, इन्होंने सैम्पल पेज के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत डेटा इसमें रखा हुआ भी है, तो ये उतनी बोरिंग है जितनी अभी की वेबसाइट्स हैं। अब इस पेज को मैंने बंद नहीं किया है, सिर्फ रिफ्रेश करूंगा और देखना मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मुझे ये थीम अप्लाई करनी है, एक्टिवेट बटन पर क्लिक करो और यहाँ एफ फाइव प्रेस कर दो, तो ये अपडेट हो गई, सही है। इस तरह थीम चेंज होती है, मतलब तुमने क्या किया, अभी तुम्हारी एक वेबसाइट की थीम चल रही है महीने तक, एक मंथ तुमने एक थीम रखी और अब तुम काम कर रहे हो नई थीम के ऊपर, यार मैं अभी इस महीने काम करूंगा, नई थीम को मैंने डिज़ाइन कर लिया और बस आज पब्लिश करनी है लेट से, ठीक है। तो जैसे तुम्हें पब्लिश जब करनी है तो क्या करो, बस एक्टिवेट कर दो और अब वो नई थीम अपडेट हो गई। अब जब यूज़र आएगा तो क्या करेगा, उसको नई वेबसाइट की, जो तुम्हारी वेबसाइट की उसकी नई थीम मिलेगी, ठीक है। अच्छा न्यू थीम्स कैसे ऐड करते हैं वो भी देख लिया, इसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू टैब में खोलते हैं इसको, टैब में नहीं खोलना चाह रहा मैं, और इसको हम मिडिल में ले आते हैं कस्टमाइजर को, जिसमें क्या होता है कस्टमाइजर से क्या काम होता है, यही होता है जो कि अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करूँ तो होगा, वही सेम स्टाइल ओपन हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यार अभी नहीं हमूद, मैं नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं करके तो दिखा दूंगा लेकिन समझ में भी आना चाहिए ना। अभी मैं तुम्हारे लिए करके तो दिखा दूंगा लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझा के करके दिखाऊंगा, अभी मैं करके दिखा दूंगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तो 2 मिनट के अंदर तो मैं नया टेम्पलेट इसकी जगह पे तो मैं ऐड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। तो इसकी अभी ऐसा करो कि अभी मैं तुम्हें जो जो चीज़ें बता रहा हूँ अभी उतना देख लो, अभी पहले ये देख लो, इसके अगर तुम ये चीज़ें नहीं समझोगे ना तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आगे की चीज़ें समझा रहा हूँगा तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। थोड़ा सब्र रखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये भी करेंगे, अपना खुद का टेम्पलेट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक पेज बनाएंगे, पेज बिल्कुल सादा बनेगा, उस पर क्या करेंगे हम खुद से टेम्पलेट लगा के देखेंगे, फिर उसको एडिट भी करके देखेंगे। मैं तुम लोगों को एक प्लगइन का नाम बताऊंगा एलिमेंटर नाम के, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ भी कर रहे होते हैं,
उसके थ्रू किस तरह से एडिट करते हो, विजिट यहाँ पर आ गए, तो विजिट इसके अंदर गिवन भी हैं बहुत सारी, लेट्स से ऑडियो हो गई, ठीक है, कैटेगरीज हो गई, एक्टिविटीज हो गई, कैलेंडर्स हो गए, ये सारी विजिट यहाँ पे गिवन भी हैं, और तुम यहाँ नई विजिट ऐड भी कर सकते हो, यानी बेसिकली सारी विजिट भी गिवन है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, अब इस वर्जन के अंदर इन्होंने क्या किया, जितनी भी अवेलेबल विजिट्स होती हैं मैक्सिमम वो इन्होंने सारी दे दी हैं, तो आप मैनेज कर सकते हो, वरना पहले क्या करते थे, सारी नहीं शो करते थे तो आप ऐड कर पाते थे, ठीक है, यही सारी लिस्ट में आती थी, इनमें से कोई भी आप ऐड कर लो और बस वो आपके जो भी आपकी लाइब्रेरी थी उसके अंदर आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहीं पर ऐड विजिट करोगे तो ये आपके विजिट वाले सेक्शन के अंदर और ज़्यादा बेसिकली है आपके पास आपकी अपनी विजिट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है मेन्यूज का, आप वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम कर रहे हो तो आप मेन्यूज जो है ना वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सही है। इसके अलावा अभी सिर्फ सैम्पल पेज है तो सिर्फ सैम्पल पेज ही है यहाँ पर, मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ मेन्यू कोई, ठीक है, हम देखेंगे इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके बाद हेडर आ गया, हेडर को कुछ एडिट करना है आपको, हेडर को देख लो किस तरह से होगा, आपकी जो वेबसाइट का हेडर होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यही हेडर है जो भी है, अभी मैंने इसको कुछ नहीं छेड़ना, मैं कस्टमाइज नहीं कर रहा हूँ आज बिल्कुल भी। इसके बाद क्या करेंगे, बैकग्राउंड को देख लेते हैं, बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या कलर होगा देखना बैकग्राउंड का, ये सब बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी अलग अलग यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ अभी हम कस्टमाइज नहीं कर रहे, हम कस्टमाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल प्लगइन, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करते हैं, ये प्लगइन जो कि इंस्टॉल्ड है इस थीम की वजह से, इस थीम के बाय डिफॉल्ट प्लगइन रही है, ठीक है, ये मुझसे कह रहा है ये जो प्लगइन्स है ना ये आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, इट्स बेटर टू इंस्टॉल दिस प्लगइन, अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये सपोर्ट देता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, लेट्स से मैं इसको इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, इंस्टॉल के बटन में क्लिक किया, अब ये डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा पूरे प्लगइन को, हम जहाँ अभी काम छोड़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे वर्डप्रेस को इंशाल्लाह। इंस्टॉलिंग दी प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है, और आई थिंक सेकेंड वाला जो प्लगइन है अब वो मुझे करना होगा इंस्टॉल। अब देखो उस वक्त दो थे अब एक रह गया, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये थीम अपलोड हो जाएगी, ये थीम जो है वो अपडेट हो जाएगी, ये वाला जो प्लगइन है वो भी इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा, जो भी इस जैसे जो मैंने अभी थीम डाउनलोड की थी उस थीम से रिलेटेड जो ड्राइवर्स होते हैं ना जो कि प्लगइन्स होते हैं जो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो मुझे क्या करता है इस इंस्टॉल प्लगइन के बैनर के थ्रू यहाँ पे मुझे अवेलेबल कर देता है और मुझसे कहता है कि आप उसे इंस्टॉल कर लो ताकि उस थीम की जो पूरी व्यू है ना पूरी जो फंक्शनैलिटी वो आपके सामने शो हो सके, ठीक है। तो अभी दोबारा से हम क्या करते हैं इंस्टॉलिंग दी पैकेजेस और बस अब ये सक्सेसफुली आ जाएगा बस खत्म, और अब यहाँ पेरेंट्स से दोबारा जाते हैं रिफ्रेश करते हैं दोबारा से अपनी वेबसाइट को, रिफ्रेश हो गए, अब देखो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है लेकिन अब जो ड्राइवर्स थे ना वो अपडेट हो गए हैं मेरे पास यहाँ पे, जो प्लगइन्स थे सॉरी प्लगइन्स थे वो अपडेट हो गए, ठीक है, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, अब ये मुझसे कह रहा है कि आप इस पेज को एक्सेस करने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, दोबारा से कह रहा है क्योंकि अब क्या हुआ प्लगइन अपडेट हो गए तो अब मुझे ये एक्सेस नहीं दे रहा है। थीम एडिटर के लिए क्या करेंगे, तो थीम एडिटर पे क्लिक करूंगा तो वही ये मुझे वहीं ले जाएगा दोबारा से, आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मुझे कहेगा कि भाई आप ज़रा ध्यान रखो और यहाँ पे जितना काम है ना वो सब अब जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का काम है, ठीक है, तो आप कोड की जो चेंजेस करोगे अगर आप कोड की चेंजेस करोगे अपने बिहाफ पे करोगे अपनी जिम्मेदारी पे करोगे, ठीक है, सो इसलिए बी केयरफुल, ठीक है, इसलिए हम ये तो देखेंगे ही नहीं, हमने तो बात किया ना कि हम ऐसे हैं जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, ये उसको क्लिक करो ज़रा देखो ये सारी इसकी सी एस की फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करो ये सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं, सारी अलग अलग फाइल्स की आ रही हैं, ठीक है, मैंने इन पे जाना ही नहीं है, प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ मैं, अब प्लगइन्स पे जाता हूँ, प्लगइन्स देखते हैं क्या है प्लगइन्स के अंदर, तो प्लगइन्स के जो मामला हैं वो कुछ ऐसे हैं कि भाई मेरे पास कुछ ये सारी चीज़ें जो कि मुझे बाय डिफॉल्ट मिली हैं, ये कुछ प्लगइन्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी देखेंगे किस तरह से इसको सेट करना है, मज़ीद प्लगइन्स कैसे ऐड करना है,
ऐड न्यू के थ्रू करेंगे, प्लगइन एडिटर को हमें नहीं छेड़ना, किसी प्लगइन को अगर एडिट करना है वही कोड के थ्रू एडिट होते हैं ये प्लगइन। तो मैं इसलिए अभी फिलहाल इसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा और मैं यूजर्स के ऊपर जाऊँगा, जितने भी यूजर्स इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, मैं भी एक ही यूज़र हूँ एडमिन, अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो फिर वो यूज़र भी इस वेबसाइट को यहाँ पे यूज़ कर सकता है इसी कंप्यूटर से, सही है। मैं कोई नया यूज़र ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो ऐड न्यू के थ्रू ही होगा, सही है। और योर प्रोफाइल, तो मेरी प्रोफाइल अभी आ जाएगी, ये मेरी प्रोफाइल है, मैं कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, वर्डप्रेस के डिफॉल्ट जो हैं ये देखो। तो इसके जो डिफॉल्ट कलर्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, सही है। और टूल्स पे अगर आ गए तो इसके कुछ टूल्स होते हैं मेरे पास यहाँ पे, जिनको हम टैग्स वगैरह की सूरत में ही देख रहे होते हैं आमतौर पे, सेटिंग्स। अच्छा, कोशिश कोशिश ये करनी है कि हमें इन सेटिंग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना, हमें इन सेटिंग्स में चेंजेस नहीं करने, ठीक है। अगर ये सेटिंग में चेंजेस करोगे तो क्या होगा, इसकी फाइल्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं और इसकी फाइल्स में चेंजेस हो जाते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि इसकी सेटिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जहां तक मुमकिन हो सके सेटिंग्स पे बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये बेसिकली वर्डप्रेस को अगर देखा जाए ना, तो ये वर्डप्रेस का बेसिक वो एक ओवरव्यू है, इसको हमने टूर ले लिया है इसके डैशबोर्ड का, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके अंदर इसकी सेटिंग्स हमने देखी थी, सेटिंग्स को हमने कुछ नहीं करना, अपेयरेंस देखी कि अपेयरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद, थीम्स किस तरह से होती हैं, थीम्स को मैंने कहा था कि कस्टमाइजर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो कस्टमाइजर हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। टेम्पलेट भी कैसे ऐड करना है, और वो टेम्पलेट ऐड करने के रास्ते में, समझ लो कि वो टेम्पलेट ऐड करने के थ्रू ना मैं क्या कर सकता हूँ, यानी अगर मैंने टेम्पलेट ऐड करना है तो उसके लिए मुझे जिस रास्ते से गुजरना है ना, वो ये थीम कस्टमाइजर ही होगा, तो इसीलिए मैं भी थीम कस्टमाइजर भी नहीं, उसको भी नहीं, बिल्कुल भी मैं ये नहीं टच नहीं कर रहा, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में टच करेंगे। और साथ साथ फिर हम, वो जो मैं टेम्पलेट की बात कर रहा था, तो टेम्पलेट भी उसी के साथ ऐड करेंगे, सही है। क्लास को फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, और आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो